Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Unique Goat World. तो माशाल्लाह हम काफी सारे फार्म विजिट करते हैं, काफी शौकीनों का घर देखते हैं। तो आज हमें आपको दिखाना था कि एक ऐसे शौकीन जिन्होंने अपने जज्बात को, अपने काम को, अपने पैशन को, प्रोफेशन को एक गोट फार्मिंग की लाइन में उतारा है। बहुत ही माशाल्लाह नामचीन, बहुत ही बड़े आला दर्जे के आदमी है, काफी अच्छे गोट फार्मिंग में इनका नाम है। तो हम आइए, हम मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई। वालेकुम सलाम। रहमान भाई, तो हम आपके फार्म पे आए थे विजिट करने, आप बहुत ही ज्यादा इज्जत मिली है माशाल्लाह, दिल को बहुत ही खुशी हुई है। तो हम आपके फार्म पे क्या क्या देख सकते हैं भाई? फार्म पे तो माशाल्लाह बकरी मिलेंगी आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप कैमरा घुमाओगे तो सब माशाल्लाह 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 बड़े से बड़े शिरोई है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह, प्लाई के भी है, जो कुछ मेरे वगैरह भी है। अच्छा अच्छा, कलेक्शन माशाल्लाह माशाल्लाह दिखाई दे रहा है, काफी कलेक्शन और आने वाला भी है इंशाल्लाह। जगह मारोगे तो माशाल्लाह मेरे बच्चे अभी एक्चुअली सबकी डिवॉर्मिंग हुई है। अच्छा, कल परसों तो मतलब थोड़ा अभी फीडिंग उन्होंने दो दिन से नहीं किए। ओके, और वो आज शाम को फीडिंग होगी उनकी। अच्छा, उन्नीस दिखेंगे बच्चे, लेकिन माशाल्लाह बाकी जितने भी माशाल्लाह मैं बकरे देख रहा हूँ सारे के सारे उम्दा नस्ल के माशाल्लाह भाई, सब टॉप क्वालिटी में, सब माशाल्लाह टॉप क्वालिटी में, कलर कॉम्बिनेशन, हाइट, वेट सब माशाल्लाह। और अभी शौक करना है तो भाई पूरा ही करो माशाल्लाह बेशक। पहले तो इसी तरह हमने सोचा था कि चलो यार खुद के आठ दस बकरे पालेंगे बेशक करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद के बकरे पालते 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 शौक इतना बढ़ गया कि पलाई लेना शुरू किया, और पलाई जब लेना शुरू किए तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की इतनी इज्जत मिली कि वो पलाई 50 से 60, 60 से 70, 100, 100 से 125, 150, अल्हम्दुलिल्लाह 200, अब तो 200 के ऊपर भी जा चुकी है माशाल्लाह। लोगों की दुआ भी आपके साथ माशाल्लाह, आपका काम है, लोगों की दुआ है आपके साथ बनी हुई है, लोगों ने आपको इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है, जो कि काफी कम वक्त में आपने इतने सारे बच्चे रख लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये बोलना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि अगर आपको सच में बकरों का शौक है ओके, सो आओ मेरे फार्म पे, बकरे देखो, अपना शौक तो करो, पसंद आते हैं बकरे खरीदो, नहीं आते बाहर से लेके आओ, आप खुद के बकरे लो, पलो, जो भी करो, बकरे का शौक करने में जो मजा है ना बेशक, दुनिया में उससे अच्छा शौक कोई नहीं बेशक बेशक। हमारे सारी अंबिया और सारे नबियों की सुन्नत है माशाल्लाह, ये सारे इस पे अमल करे तो बहुत ही अच्छी बात है। अपने शौक को इतना आगे बढ़ाना, लोगों के जानवरों को अपने रिस्क पे पालना माशाल्लाह बहुत ही बड़ी बात है। तो हम रहमान भाई से पूछ लेते हैं पलाई के रेट्स क्या, अगर जगह है तो इनके पास जगह से को माशाल्लाह मेरा जो अभी अगर आप, मैं तो शायद थोड़ा आपके ये इंटरव्यू के बाद मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप पूरा फार्म कवर करना इंशाल्लाह, मेरा फेज 3 जो बन रहा है इंशाल्लाह, और मैं बाहर जब निकलूंगा ना आपको मेरा फेज 4 शायद आपके चैनल पे पहला वीडियो होगा इंशाल्लाह, जो फेज 4 का मैं दूर से दर्शन कराऊंगा, रजी तो नहीं आएंगे बिकॉज काम चालू है बेशक, फेज 4 भी बनने वाला है और बहुत खूबसूरत बनने वाला है। और पलाई मेरी ऐसी है कि 20 किलो से लेके 35 किलो तक 2100 रुपए है, 35 से लेके 50 किलो तक 2400, और 50 किलो से 100 किलो तक 2600। सो ये बेसिक पलाई है, 11000 मॉर्टेलिटी रिफंड दे रहा हूँ, बकरा मर जाता है तो 11000 रिफंड दूंगा, ये आपने सुना होगा। हाँ भाई, सो मैं रिजल्ट दूंगा और पैसे मांग के लूंगा बेशक भाई बेशक। अभी हर फार्म का तो हम बता नहीं सकते, बाकी हमें रहमान भाई के फार्म से काफी ज्यादा इज्जत मिली है माशाल्लाह, और इनकी पलाई का रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है काफी कम वक्त में, अल्हम्दुलिल्लाह सब बकरे मेरे अच्छे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि 100% रिजल्ट में हूं, लेकिन आज की तारीख में मेरे फार्म ऑलमोस्ट 85-90% रिजल्ट दिया है माशाल्लाह, हो गए 8-10 बकरे या 5-7 बकरे होंगे जो प्लस नहीं है, लेकिन माइनस भी नहीं है, एक दो बकरे मेरे माइनस में है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब मेरे बकरे प्लस में है या कोई लेवल में है, लेकिन मैं अगर 85% पकड़ूं तो 85% मेरे बकरे प्लस है, और 10% जो रहेंगे वो लेवल में रहेंगे, और 5% है वो जो रिवर्स हुए 4-5 किलो बेशक, वो मैं गेन कर दूंगा। तो अब ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास सब प्लस है, माइनस तो माइनस है, प्लस तो प्लस है, दो बकरे मेरे मरे मेरे फार्म पे, बेशक दो बकरों की मोर्टेलिटी हुई है, एक मेरे फार्म पे आया था फ्रेश वो मरा, एक बीमार लेके आए थे वो मरा, ऐसे बीमार मेरे पास 25 बकरे आए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब बच गए। सो जो है फैक्ट बताऊंगा मैं मेरे फार्म पे प्लस भी दिखाऊंगा, माइनस भी दिखाऊंगा, मोर्टेलिटी भी दिखाऊंगा और गेन भी दिखाऊंगा, सिर्फ मैं अच्छा अच्छा दिखा के मैं अच्छा बनना नहीं चाहता हूँ, सही बात है, बिकॉज कोई भी आदमी 100% नहीं होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, तो मेरे से भी गलतियाँ होती है और वो मैं सामने अपने आप को लाता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भी अगर कोई मोर्टेलिटी का आपको रिफंड दे रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, कोई भी ये फार्म इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा, बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं ये मोर्टेलिटी का रिफंड क्यों दे रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, देखिए मेरे पास जैसे कि 70,000 का है, 60,000 का बकरा है, ये लेवल के बकरे पालने वाले लोग को 11,000 में बोलता हूँ, मेरे को नहीं जरूरत है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जो होगा तो होगा, ऐसे बहुत कस्टमर थे,
जो मॉडर्निटी मांगते भी नहीं, और जो मैं ये मॉडर्निटी दिया हूँ सबके लिए दिया हूँ, लेकिन ये जो कस्टमर जो बच्चे 2500 रुपए 10,000-15,000 पलाई पे भगने जॉब पे है, वो अपने सैलरी से 1,000-1,500 रुपए निकालते है, सेविंग करते 6-8 महीना पालते, और उनका 20-25,000 का भगड़ा कर मर जाता है, सो उनका शौक मर जाएगा। सो मैं ये 11,000 अगर उनको देता हूँ ना, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा पैसा मिला के 5-6,000 मिला के एक वापस शौक कर सकते हैं, माशाल्लाह। तो उनका शौक नहीं मरे इसलिए 11,000 है, माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसके लिए 11,000 का ये स्कीम मैंने लाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह हम रहमान भाई के बाकी सब जो भी बाड़े वो सब कवर करेंगे, रहमान भाई को फारिग करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपको मेरा बाहर का फेस फोर दिखा देता हूँ, आप देखिए बाकी का सब कवर करना, माशाल्लाह। ये देखिए रहमान भाई की खातेदारी इनके कस्टमर के बाद, तो आप सेटिस्फाई हो गए नहीं रहमान भाई के? मेरे और मेरे दोस्तों के 6 बकरे हैं, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, 100% सेटिस्फाई। अलहमदुल्ला उसमें 3-4 बकरे तो ऐसे सीरियस हो गए थे, इनमें फोन भी किया, वीडियो में अलहमदुल्ला फिट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कुछ है अलहमदुल्ला, उसमें काफी बकरे थे बहुत अच्छे हो गए, 2-3 बकरे हैं जो 19-20 वो भी इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे, तो माशाल्लाह रिकमेंडेशन के हिसाब से आए थे। मेहमान नवाजी जो है अनडाउटेडली मतलब बेस्ट है, नहीं उनका नेचर ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे क्लाइंट भी अलहमदुल्ला बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव है, सब मेरे को बोलते रहमान भाई गेन हो नहीं हो आप बकरे को अच्छे से रखो आप बस संभालो, तो ये कोई नहीं अरे भाई नहीं गेन होगा तो नहीं चलेगा इतना कम क्यों, ऐसे मेरे पास क्लाइंट भी नहीं है, मेरे क्लाइंट बहुत सपोर्टिव है अलहमदुल्ला, और ऐसे नहीं है मेरे पास एक एक क्लाइंट के 6-6, 8-8, 10-10 बकरे, माशाल्लाह ऐसे, तो ऐसे ऐसे क्लाइंट मेरे पास बहुत ज्यादा इंटरनेशनल, मेरे पास कम से कम ऑलमोस्ट 7-8 क्लाइंट है इंटरनेशनल, माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम कवर करते फेस 4। हाँ बस ले तो माशाल्लाह ये बकरा भी हमारे पास आप दिखा सकते हो, ये बकरा भी आया था माशाल्लाह, लेकिन 74-75 पे आया था, अलहमदुल्ला 84 पे है, 1.5 महीना होगा इसको, और ये 84 नहीं आज की तारीख में ये बकरा 89-90 किलो का है, बिकॉज मैं 2 दिन से फिटिंग नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज डीवॉर्मिंग हुई है, अगर ये दो अभी इसको फिटिंग दूंगा तो इंशाल्लाह अभी 2 किलो उठाएगा, माशाल्लाह अल्लाह नजर से बचा है इसको, और 4 दांत पे बच्चा है, ये हमारे क्लाइंट का है, और माशाल्लाह खुश है, बीच में खूटा बांधे बकरा एंजॉय कर रहा है, अब इंशाल्लाह मैं प्लान करूंगा कि ऐसे 8-10 खूटे और बांधू जो बकरे लोग को बाहर निकाल के उनका एंजॉय करने का टाइम थोड़ा मी टाइम, हालांकि मेरा देवनार मंडी तो है ही, और इंशाल्लाह ये भी यूटिलाइज करेंगे, जाते जाते मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि आप जूम कर सकते हो सामने जो काम हो रहा है, ये मेरा फेज 4 बनने वाला है, फेज 3 ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने पर आया है, ये फेज 3 है मेरा जो वॉल है, आज पता लग जाएगा मट्टी चली जाएगी, फेज 3 हो जाएगा इंशाल्लाह, हफ्ते भर बाद पलाई फिर से ओपन करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 डेज के बाद मैं पलाई के बकरे मंगाना चालू करूंगा, अभी 7-8 डेज बचा हुआ है, तो इंशाल्लाह वहां पर भी बहुत खूबसूरत बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये फार्म नहीं बनाऊंगा मैं, ये एक फैमिली गेट टुगेदर और फैमिली फार्म बनेगा, जहाँ सब अपनी फैमिली को ले आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, स्टे कर सकते हो, आने वाले टाइम में मैं घर भी बनाऊंगा, स्टे करो एंजॉय करो, फैमिली को लेके आओ, खाओ पियो मजे करो, बकरे पालो, लेकिन जिंदगी जियो जो एक्चुअली फार्म पे होनी चाहिए, सिर्फ बकरे केज में रख के अगर बन जाए और आप लोग आके देख के चले जाओ, लेकिन आप लोग अपना टाइम भी स्पेंड करो ना, जैसे कि अभी बकरे को उन्होंने बाहर निकाले, अब फैमिली आई है, खेलेगी इसके साथ में, बैठेगी, खाना पीना होगा, चाय वाय होगा, नाश्ता होगा, इंजॉय होगा, प्लेग्राउंड है, बच्चे लोग इंजॉय कर सकते हैं, आगे खेती है, सो बहुत कुछ है मेरे फार्म पे, प्लीज आइए मेरे फार्म पे विजिट करिए, बकरा मत पालिए, सिर्फ आइए इंजॉय करिए, मजे करिए, और कैसा लगा ये बताइए, बस मुझे अच्छा लगा, और खुश होते हो आप लोग तो मैं खुश होता हूँ, बेशक, चलो तो इंशाल्लाह ये इनके ही चैनल पे वापस से एक बार मिलेंगे, आज थोड़ा मुझे जाना था, और जल्दी मिलेंगे, और इंशाल्लाह जब भी मिलेंगे थोड़ा मसालेदार, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, ये मेरे चैनल पे चलते रहता है, लोग पसंद करते हैं, दुश्मन बोलते हैं कि बहुत बोलता है, लेकिन जो बहुत बोलता है वो दिल का सच्चा होता है, और जो कम बोलता है पीठ के पीछे बोलता है ना, वो फिर वो खट्टा नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ, थोड़ा स्पाइसी बोलता हूँ, इंशाल्लाह यही बोलते रहूंगा, किसी के बोलने से मैं रुकूंगा नहीं, और मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साए के अंदर हूँ, और अल्लाह मेरे साथ में है, अल्लाह और मेरे क्लाइंट और मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स मोहम्मद भाई सब मेरे साथ में है, मेरे को अभी छोड़ नहीं रहे, लेकिन छोड़ देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं के चैनल पे थोड़ा स्पाइसी, तो बने हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।